उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से जहांगीराबाद में हवन पूजन और मंत्रोच्चार के बीच केवानी नदी के तट पर श्री राधा कृष्ण आश्रम में विगत 7 दिनों से चल रही श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन 10 जून से शुरू हुआ था, जो कि रविवार 16 जून को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ समाप्त हुआ। भंडारे में देर रात तक लोगों ने प्रसाद लिया। इस अवसर पर प्रतिदिन यज्ञ पूजन, हवन आरती एवं परिक्रमा के अलावा शनिवार को नवनिर्मित मंदिर में श्री शनि देव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस मौके पर तमाम भक्तों ने दीपदान किया, एक साथ हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर दीपक स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। इसके साथ ही भारी संख्या में कस्बा क्षेत्र के अनेक गांवों के श्रद्धालु, महिला पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहकर भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। फूलों की होली के साथ 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। यज्ञाचार्य नीरज कृष्ण शास्त्री ने यज्ञ के महत्व की चर्चा करते हुए बताया कि यज्ञ मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यज्ञ आयोजक महंत बाबा विशंबर दास उर्फ बनिया बाबा ने बताया कि यज्ञ का धूम बादलों में जाकर खाद बनकर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। त्याग समर्पण और शुभ कर्म अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि तथा वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है एवं यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली तमाम सुगंधित सामग्रियों से उठने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। वायु शोधन से आरोग्य वर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। यजमान दिनेश रस्तोगी, संजीव रस्तोगी, राजेश जायसवाल, शिव कुमार गुप्ता, मास्टर वीरेंद्र कुमार व गीतेश जायसवाल ने सपत्नी प्रतिदिन वैदिक विधान से यज्ञशाला में हवन पूजन आरती आदि कार्यक्रम संपादित किए। भक्तों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर अपने को धन्य किया। इस दौरान प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद का आनंद लिया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सीतापुर से संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट।